हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डॉक्टर एकेडमी। और हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, और उसका नाम आपको तो याद होना चाहिए क्या है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चैप्टर को जिसको आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उसका नाम आपको ज़रूर से आना चाहिए। उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, जो कि एक टॉपिक था इस चैप्टर का। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। सो देखिए, हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ सेल से शुरू होती है, लेकिन सेल की भी जो शुरुआत होती है ना वो केमिकल से होती है, यानी सिंपल एटम से होती है। तो ये चीज़ नंबर फर्स्ट बनती है कि जो हमारी बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का सेल, उनकी हम केमिकल कंपोजिशन समझ लें कि भाई केमिकल वो किन चीजों का बना हुआ होता है, ठीक है। सो अवर टॉपिक इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी आपको थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल पर हम बाद में आते हैं। हमारा जो पूरा ये सेल होता है, सेल को आप देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक लिविंग सेल है, ठीक है, दिस इज अ लिविंग सेल। अब एक लिविंग सेल में तीन चीजें कांस्टेंट होती हैं, और हर लिविंग सेल, जो भी आप देखें, बैक्टीरिया से सेल देखें, बैक्टीरियल सेल देखें, पिरामिशन देखें, ह्यूमंस का देखें, प्लांट्स का देखें, एनिमल्स का देखें, तो ये चीजें, तीन चीजें आपको कॉन्स्टेंट मिलेंगी, हर सेल में मिलेंगी। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बिना भी सेल अधूरा है, इसके बिना कोई भी सेल कंप्लीट नहीं है, और ये हर सेल में प्रेजेंट होती है, किसी भी टाइप का सेल हो, चाहे वो यूकेरियोटिक हो चाहे वो प्रोकेरियोटिक हो। दूसरी चीज साइटोप्लाज्म, दूसरी चीज है साइटोप्लाज्म। तीसरी चीज है न्यूक्लियर मटेरियल। हम पूरे न्यूक्लियस की बात नहीं करें क्योंकि वो प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये न्यूक्लियर मटेरियल है, आइदर डीएनए और आरएनए, ये भी जरूर होता है, ठीक है, आइदर डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे बहुत ही डीप और डिटेल में इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये हम एक मैंने लिविंग सेल का डायग्राम ड्रॉ किया है, अभी मैं आपको समझाता हूँ केमिकल कंपोजिशन। देखिए, हमारा जो लिविंग सेल होता है वो एक लिविंग मटेरियल का बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, या यूं कहें कि सेल का एक दूसरा नाम है प्रोटोप्लाज्म। आप इतना समझ लिए अभी, किस तरह वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोटोप्लाज्म कहते किसे हैं। पहले मैं आपको पार्ट्स के नाम बता दूं। ये जो आप आउटर लेयर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो अभी मैंने मेंशन भी किया ऊपर वाले पॉइंट्स में, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अभी होता ये है कि यहाँ पर देखें, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये आप न्यूक्लियस का पूरा हिस्सा काउंट कर लें, और ये आप साइटोप्लाज्म से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं इसको ही कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो यानी कि लगभग पूरा सेल तो हो ही गया, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म पर। देखिए, आज तक साइंटिफिकली प्रोटोप्लाज्म की एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन को मालूम नहीं किया जा सका है कि उसके अंदर कितनी परसेंटेज या कितना अमाउंट किस चीज का है, लेकिन हर चीज का एक एवरेज तो लिया जा सकता है। तो कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को हम अभी समझने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नंबर पहली पॉइंट जो है कि प्रोटोप्लाज्म लगभग हर 70% to 90% प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है वो वाटर होता है, H2O, ठीक है, वाटर H2O, ये इसका केमिकल फार्मूला है। एक चीज आप याद रखें, 70 to 90 क्यों लिखा गया है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट क्यों नहीं है, तो उसकी वजह ये है कि हर सेल के लिहाज से वाटर की अमाउंट थोड़ी जो है ना वो चेंज होती रहती है, हर सेल में एक अलग हिसाब होता है। तो जो एवरेज है वो है 70 to 90%
प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर यानी कि पानी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अभी अगर पूरे वाटर को हम एवापोरेट करते हैं, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट दी गई आपके बुक में, इफ द वाटर यानी कि H2O वाटर इज एवापोरेटेड, अगर पानी को हम गैस में कन्वर्ट करें यानी कि टेम्परेचर देखकर, तो जो बाकी मास बचेगा किसका, प्रोटोप्लाज्म का या पूरे सेल का, जो बाकी मास बचेगा उसको हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल, उसको हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल। ये चीज आपने याद रखनी है, ये अल्फाज आपको याद रखना है। अगर हम प्रोटोप्लाज्म से उस पानी को, उस वाटर को, उस लिक्विड को एवापोरेट करते हैं यानी कि हीट करके उसको वाप में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो बाकी मास बचेगा, ठीक है, 30-10%, तो उसको हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल। अब ड्राई वेट ऑफ सेल में क्या होता है, मोस्टली उसके अंदर होता है केमिकल कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स को कहा जाता है बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी हम उन पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर पूरे वाटर को इवापोरेट करेंगे तो जो ड्राई वेट बचेगा सेल का, उसमें होंगे बायो मॉलिक्यूल्स। में क्या होंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में तो बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन इस लेक्चर में भी मैं आपको उनके जस्ट नाम बता देता हूँ फॉर योर सर्टिफिकेशन। ठीक है, पहला है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड, और चौथा है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, ये बायो मॉलिक्यूल है। ठीक, और पांचवा है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी ये जो पांचों कंपाउंड्स मैंने आपको बताए, ये मोस्टली 6 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये मोस्टली 6 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नाम मैं आपको बता सकता हूँ। उनमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये कंबाइनली मिलकर 98% बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का, या यूं कहें कि 98% जो है ना वो ये बनाते हैं, पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स हैं वो इनके बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो पूरे के पूरे वो इन एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, और जो पूरा सेल है, सेल का या प्रोटोप्लाज्म का जो ड्राई वेट है वाटर के अलावा, उसमें 98% ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बाकी 2% के जो है ना वो 8 और एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 8 होंगे, हाँ 10 और एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 10 और एलिमेंट्स हैं जो 2% बनाते हैं, लेकिन ये 6 एलिमेंट्स मिलकर कितना बनाते हैं, 98% ऑफ सेल। अब इन एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, सो इन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में जो 2 एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं, कार्बन भी आ जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी आ जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का नाम सुनकर आपको एक चीज तो याद आनी चाहिए, वो क्या कि हाइड्रोकार्बन्स। भाई हाइड्रोकार्बन्स मतलब उन एलिमेंट्स को कहा जाता है कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर, और उन कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन जो ये जो कंपाउंड्स आपने पढ़े बायो मॉलिक्यूल से, बायो कंपाउंड्स, इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहेंगे, क्योंकि इनमें मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन अ डिटेल्ड लेक्चर सीरीज फॉर दीज 5 बायो मॉलिक्यूल्स इंशाल्लाह। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आई होप सो यूड एंजॉय दिस लेक्चर, एंड आपको कुछ अगर सीखने को मिला तो उसे जरूर लाइक किया करें, एंड अपने फैमिली मेम्बर्स एंड उसके साथ साथ फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करें, ताकि वो भी कुछ सीख सकें, बिकॉज इस पर बहुत मेहनत लगती है। इस वक्त 12 बज गए हैं, लेकिन आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू ऑल गाइज, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।